हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इसके चंद्रवंशी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं फिर से एक पेपर प्लेट मशीन के बारे में वीडियो। आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए फिर से एक प्रॉब्लम का सलूशन, जिसकी वजह से हर कोई बंदा परेशान होता है। हर कोई कहता है कि यार ये क्या समस्या हो गया। नहीं समझ में आने के कारण बंदा परेशान हो जाता है कि कैसे करें क्या करें। तो आज हम उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको देख के समझ के ये चीज़ परेशानी आपका दूर हो जाएगा या आप खुद ठीक कर सकते हैं। किसी मैकेनिक किसी टेक्निकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तो ये है हमारा प्लेट और ये हमारा ढाई, ये नीचे का ये ऊपर का। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर प्लेट जो है, जब भी आप ढाई लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ बीच से, यहाँ से पीछे से पेपर फाड़ता है, कभी आगे से फाड़ेगा, कभी यहाँ से फाड़ेगा। तो इसका परेशानी क्या है, ये क्यों फाड़ता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको ये वीडियो देख के आपको परेशानी दूर कर लेंगे और किसी में कहने की मिस्त्री को बुलाने जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं कि आखिर होता क्यों है। ये नीचे की डाई जो है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये ऊपर की डाई है। तो इसको क्या करना है कि ये जो तीन नट है, ये और ये, इन तीनों को खोल देना है। खोल के इसके अंदर जो है, इसमें स्प्रिंग है, इसको खोलने के बाद ये चीज़, ये हिस्सा जो है आपका बाहर निकल आएगा और इसके बीच में एक स्प्रिंग होता है। उस स्प्रिंग को आपको क्या करना है कि बस इस स्प्रिंग को आपको निकाल के और थोड़ा सा छोटा कर लेना है। वो कैसे करना है हम दिखाते हैं। तो देखिए, इसको आप जब खोलिएगा तो इसके अंदर से एक स्प्रिंग निकलेगा इस तरह का। इसको क्या करना है आपको कि जब प्लेट फट रहा है तो इसको खोल के और इसको इतना सा कटवा लेना है। ये काट के फिर इसके अंदर डाल के फिर सेट करना है। फिर सेट करके चलाइए तो ये चीज़ परेशानी आपका दूर हो जाएगा पेपर फाड़ने का। अगर फिर भी ना हुआ तो ये इतना काटे, दूसरी बार में इसको घुमा के फिर यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि ये बीच से फाड़ने का समस्या यही होता है। ये नया में भी हो सकता है, पुराना में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब हम धार लगवा के लाते हैं इसमें, तो धार लगाने से इसकी जो चौड़ाई है ये कम हो जाती है। कम होने के कारण से ये तो कम हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग जो अंदर का है हमारा, वो उतना का उतना ही रहता है। इस वजह से ये फाड़ना शुरू हो जाता है बीच से यहाँ से। तो इसलिए इसको आप छोटा करके लगाइए, उसके बाद फिर देखिए आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, फिर ये प्लेट सही निकलेगा। तो यही इसका एक कारण है सबसे बड़ा, इसी वजह से लोग परेशान होते हैं और नहीं समझ में आने की वजह से वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया। कोई बड़ा समस्या नहीं है, छोटा समस्या है। बस इसको खोल के स्प्रिंग छोटा कर दिए, उसके बाद फिर से इसको सेट कर दिए, फिर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी स्प्रिंग लगाएं तो डाई के बीचों बीच में लगना चाहिए स्प्रिंग, इस तरह से अंदर, इस तरह से यहाँ पर बीचों बीच। अगर आपका स्प्रिंग इस साइड है या इस साइड है तो भी फाड़ेगा पेपर। इसलिए स्प्रिंग को हमेशा बीचों बीच रखना है, तब जा कर के प्लेट आपका ठीक आया, कोई दिक्कत कोई समस्या कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।